आज के हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21। देखिए बाबू, इसमें टेन थीटा बराबर दिया है रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तब क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा और कोस थीटा का मान ज्ञात करें। तो देखिए बाबू, जो वैल्यू दिया है उसको लिखेंगे, टेन थीटा बराबर दिया है रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस माइनस एन स्क्वायर। अब बटा में है बाबू एन, तो लिखेंगे बाबू टेन का फॉर्मूला आता है पी बटा बी, तो लिख देंगे पी बटा बी। उसके बाद देखेंगे बाबू, देखिए बाबू, ये ऊपर वाला p के मान नीचे वाला b के मान, तो लिखेंगे p बराबर रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और b के मान बाबू n। तो h के मान नहीं दिया, h बराबर वाट, इसको भी पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला लगाएंगे, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर p के स्क्वायर करेंगे, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर रूट में है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस b के मान बाबू दिया है n, तो लिखेंगे n का स्क्वायर। स्क्वायर से हम जानते हैं कि रूट कट जाता है, अब बाबू h स्क्वायर बराबर हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर बाबू n स्क्वायर, एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, h स्क्वायर बराबर हो जाएगा m स्क्वायर। ठीक है बाबू, यहां से स्क्वायर भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, h का मान हो गया बाबू m। ठीक है, अब देखिए बाबू, h का मान मिल गया, p का मान मिल गया, b का मान मिल गया, जो पूछेगा उसका मान निकाल लेंगे, जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि sin थीटा का मान निकाल, sin थीटा का फॉर्मूला p बटा b, p बटा h। तो बाबू p के मान कितना निकाल है इसमें, p के मान है रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और h का मान कितना है बाबू m, तो लिखेंगे m। sin थीटा का मान निकल गया, ये हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है cos थीटा का मान निकाल, लिखेंगे cos थीटा बराबर b बटा h, और b के मान इसमें कितना है, b के मान है n, तो लिखेंगे n और h के मान m, n बटा m आंसर।